श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरा कभी ना जन्म हुआ ना मृत्यु होगी, मैं अजन्मा हूँ। उस अजन्मा का जन्म मनाना एक बहुत अनूठी चीज़ है, अनूठी बात है। इससे पहले एक जन्म हुआ था श्री कृष्ण, उस जन्म में वो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि के अवतार में श्री कृष्ण अपने माँ को इन्होंने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, सांख्य सिद्धांत का उन्होंने विश्लेषण करके ज्ञान दिया। कपिल मुनि के नाम से श्री कृष्ण का पहला अवतार हुआ था श्री कृष्ण से पूर्व। तो फिर माँ का तो होता है हर जन्म में, तो मेरा ही बच्चा बनो। आत्मज्ञान तो दिया फिर भी मोह रही, तो उसी माता से फिर यशोदा मैया के रूप में वही माता आई, फिर दोबारा कृष्ण जन्म लिए। मगर कपिल मुनि होकर के श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, और श्री कृष्ण बन के यशोदा के साथ ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ प्रेम दिया। तो एक जन्म में सिर्फ ज्ञान की बात कहते रहे, फिर दूसरे जन्म में यशोदा को कहाँ ज्ञान दिया श्री कृष्ण? ज्ञानवान की बात नहीं करी यशोदा से, शरारत करी। तो आज तो शरारत करने का दिन है। ज्ञान, प्रेम और शरारत तीनों एकत्रित हो जाए तब वो श्री कृष्ण का जन्म माना जा सकता। जन्माष्टमी का मनाने का उत्तम तरीका यही होगा कि भगवत गीता को पढ़े जाने लो। जिसका जन्म बनाना चाहते हैं उनके बारे में तो जानना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में, ये कहा है, जो जो यदि तुम मुझको देखना चाहते हो, जो जो श्रेष्ठ है उस सब में मैं तुमको दिख जाऊंगा। जो जो चीज श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। और चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं, एक दुखी, दूसरे जो है वो जिनको कुछ चाहिए अर्थार्थी वो आते हैं, कोई जिज्ञासु आता है, फिर ज्ञानी भी मैं। इनमें ज्ञानी मेरा ही रूप जानो, आत्मज्ञानी और मुझ में कोई भेद नहीं है। ताकि एक क्षण के लिए भी आत्मज्ञानी से मैं दूर नहीं हूँ, वो मुझसे दूर नहीं है। तो कृष्ण के साथ होना हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आत्मज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, खूब खूब इसमें तल्लीन होना। इस ज्ञान में रस लेने वाले श्री कृष्ण के लिए अति प्रिय होते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, मैं शंकर हूं, विभूत योग में क्या कहते हैं, सेनानी ना महम स्कंदा, मैं कार्तिकेय हूं। जो लोग मुझे अलग अलग समझते हैं वो ना समझ हैं। सेनानी ना महम स्कंदा, मैं स्कंद हूं, कार्तिकेय हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, सागर में मैं सागर हूं, इस तरह से जाह्नवी, मैं ही गंगा जी हूं। तो दुनिया की जो भी श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ चीज है, वो मैं ही हूं। तो तुम्हारा मन इधर उधर आकर्षित ना हो जाए, मुझ में ही टिके रहे। इसलिए कृष्ण इतना आकर्षक होते, इसे कृष्ण माने जी आकर्षण का केंद्र। वो आकर्षण का केंद्र कहाँ है? जहाँ ज्ञान है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है, प्रसन्नता है, प्रतिभा है, आत्मज्ञान है, वो आकर्षण का केंद्र बनता है।
जब भी किसी महिला को प्रसव वेदना शुरू होती है, गधे को महसूस होता है। गधे बड़ा संवेदनशील है इस मामले में। तो बच्चा पैदा होने से पहले वहाँ आसपास में कोई गधा होता तो वो गधा जोर से चिल्लाए की आवाज़ करता। जब भी देवकी की प्रसव वेदना होती रही तो कंस के दरबार में गधा जोर से बोलता था। तो फिर कंस को पता चल गया कि अभी इसका बच्चा पैदा हो गया, आके उस सातों बच्चों को उन्होंने कर दिया था कि उनको पता चल गया गधे की आवाज़ से बच्चा पैदा हो रहा है। तो वसुदेव ने एक बार गधे को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, इस बार देवकी जब जन्म देगी बच्चे को तो गधे महाराज आप बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है, चुप रही है। वसुदेव के विनंती को गधे ने मान ली और चुप रहा, पता नहीं चला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ हंस नहीं आया उस वक्त, गधा तो बोला ही नहीं। पहरेदार सब सो गए, बच्चे को लेके गोकुल पहुंच गए। और वापस जब वहां से आए, सबसे पहले उन्होंने गधे को दंडवत नमस्कार किया, तुमने बचा लिया मेरे बेटे को। गधे भी बड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए असंवेदनशील व्यक्ति को तुम गधे हो बोलना भी एक गधे के लिए अपमान है।